करवाई थी। तो ये हमारा सालाना इजलास है, पहला इजलास है, ताकि हमारे बच्चों को उन तलबात को जिन बच्चों ने सुबह में हिस्सा लिया है उनकी पोशीदा सलाहियतों को उजागर करना, सामने लाना यही मकसद है, ताकि ये बच्चे आगे चलकर इस इदारे का, अपनी कौम का और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। वक्त की कमी है, सिर्फ 2 या 3 मिनट में मैं अपनी स्पीच खत्म करता हूँ। एक ही वाक्य आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये वाक्य अमेरिका का है। अमेरिका के एक चर्च से कहानी शुरू होती है। एक चर्च में एक मासूम, एक लड़का है, मजदूर है, बैसाखी उसके हाथ में है और वो चर्च में आने जाने वाले लोगों को देख रहा है और फादर से सवाल करता है कि फादर ये लोग चर्च में क्यों आते हैं। तो फादर बोलता है, बेटा ये जो बच्चे अल्लाह की इबादत, गौर की इबादत और दुआ करने के लिए यहाँ आते हैं। तो मजदूर लड़का बोलता है, क्या मैं दुआ करूँगा, इबादत करूँगा तो मेरी ये जो टांगे हैं ये वापस आ जाएंगी। तो फादर कहता है, नहीं बेटा, तुम्हें इसकी लिए इबादत और दुआ करना तो जरूरी है, लेकिन पहला कदम आपको डालना है, पहला कदम आपको डालना है। तो बोले, फादर मैं तो गिर जाऊंगा। तो बोले, मैं आपको थाम लूंगा, आप जब गिरोगे तो। बोले, ऐसा है तो मैं कोशिश करता हूँ। तो लड़का पैसा की रखता है और पहला कदम जब डालता है तो फादर उसको संभालने की बजाय पीछे हट जाता है और वो बच्चा जख्मी मुंह पर गिर जाता है और फादर पर बहुत गुस्सा होता है कि फादर तुम फरार हो, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुमने झूठ बोला है। तो फादर मुस्कुराते हैं कि बेटा पहला कदम तो तुम्हें ही रखना होगा। जब तक तुम पहला कदम, पहली कोशिश नहीं करोगे तुम कामयाब नहीं होंगे। हम इसके लिए बोले, बेटा तुमने रोज आना, हम रोज प्रैक्टिस करेंगे, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। दूसरा दिन आता है, वो लड़का नहीं आता है। तीसरा दिन आता है, वो लड़का नहीं आता है। एक महीना होता है, एक साल हो जाता है, वो लड़का नहीं आता है। तकरीबन 3 साल के बाद वो लड़का यहाँ चर्च में आता है। जब वो आता है तो बगैर बैसाखी के आता है। तो जब फादर उसे देखते हैं तो फादर बोलते हैं, ओ माय सन, तुम इतने साल से कहाँ थे। बोले, फादर वो आपका पहला कदम उसको 3 साल लगे हैं। फादर आज मेरे हाथ में पैसा की नहीं है, मैं बहुत गिरा हूँ, बहुत जख्मी हुआ हूँ, लेकिन दुआ किया हूँ और लेकिन पहला कदम डालने में आज मैं कामयाब हो गया हूँ और मैं फादर आज मैं चल सकता हूँ। तो फादर उसे कहते हैं, बेटा तेरी और कोई ख्वाहिश है। बोलता है, हाँ है, मुझे फादर बोला मुझे दौड़ना है, मुझे अब चलना नहीं है, मुझे दौड़ना है, इतना दौड़ना है कि बहुत दौड़ना है। बोले, ठीक है। फादर बोलता है, तो बच्चा इतना दौड़ता है कि अमेरिका के लिए 5 गोल्ड मेडलिस्ट लाता है और वो लड़का है कार्ल लुईस अमेरिका का। तो बोलने का मकसद ये है कि हमने भी तालीमी मैदान में इस इदारे ने पहला कदम रख दिया है, पहला कदम हमें भी चिंता गई है आपके बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने के लिए, आपके बच्चों के पोशीदा सलाहियतों को उजागर करने के लिए, बाहर लाने के लिए। आप ही लोगों का हमें साथ था, हमारी मेहनत थी और हम कामयाब हो गए हैं। ये आज का सालाना इजलास है, सालाना इजलास ही नहीं, ये हमारा तालीमी मैदान में पहला कदम है। अब हमें आगे दौड़ना है, वो भी उसके लिए भी हम आपका साथ चाहिए। और पेरेंट्स सरप्रस्त हजरात से मेरी एक ही मौत जबाना गुजारिश है, क्या वो जबान को खामोश रखे, आप खुली रखे और अपने बच्चों का परफॉर्मेंस इत्मीनान से देते। देखिए, ये प्रोग्राम आप ही का है और आप ही लोग इसे सक्सेस करने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे पहले आ रहे हैं तो कुछ बच्चे बाद में आ रहे हैं। देखिए, इसे प्लानिंग करने के लिए हमें काफी टाइम लगा है। तो आपसे इसकी मौके माना गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अपन
पिंडौल में तशरीफ लाए और जो सरफराज रहा यहाँ खड़े हुए सामने बराए करम आप पिंडौल में जगह वहाँ पर तशरीफ अच्छी चीज़ जो हम देखे हम अल्हम्दुलिल्लाह कहें हम अल्हम्दुलिल्लाह।
तो इतना मजबूत हो गए थे कि हमें तो आसान की आवाज आई सुनाई नहीं दे रहा। हमारे लिए कुछ नाश्ता लाओ, हम बहुत थक गए। वो लखनऊ सूट की दुकान पे जो ड्रेसेस हम